लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था प्रोग्राम्स के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या सॉफ्टवेयर होता है और क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया तो दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो भाग में कैटेगराइज किया गया, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। अब इन सारे चीजों को कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज समझता है और हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट आया, ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट में आपको असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर आया, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर सिस्टम यूज, सिस्टम की यूज के लिए जरूरत उसकी पड़ती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जो सबसे बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर में सबसे पहले वही सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने देखा कि यूजर्स के नीड के लिए होता है, जैसे अगर आप MS Office कर लें या PLC कर लें या फिर विंडो मीडिया प्लेयर कर लें या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो टैली कर लें, है ना। तो ये सारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर अपने यूज के लिए इंस्टॉल करता है। तो यहाँ तक कैटेगराइजेशन हम लोग पढ़े थे, अब आके हम लोग देखते हैं। नोट्स शायद शेयर नहीं किए थे आप लोग से, तो नोट्स हम शेयर कर देंगे आज क्लास के लास्ट में या कल, ठीक है। लेकिन उसमें बताना पड़ेगा कि आप लोग कौन कौन सा उसमें नोट डाउन करेंगे या रखेंगे, बाकी चीजें आपको नहीं जरूरत हिसाब से नहीं। ये पढ़ लिए थे, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है आपको PLDT। PLDT में PDLC। PDLC कहने का मतलब होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जब एक प्रोग्राम आप बनाते हो तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, यानी कि एक प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये PDLC में आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कोड लिखते हैं और उस कोड का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि आपको, जैसे ही मैं बोला कि एक नंबर लो और दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो इसके लिए आप कोड लिखोगे। दो नंबर लेंगे, उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आप कोड लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उस कोड को ही हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को डेवलप करने में क्या स्टार्ट टू एंड कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, वो चीज हमको इसमें सीखना है। वेरी सिंपल है, आप एकदम से वर्ड से ही पता चल जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन के कहने का मतलब कि सब पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। सपोज मैंने आपको दिया कि एक नंबर लो और उसको रिवर्स करो, है ना, एक नंबर लो और उसको क्या करो, रिवर्स करो, 3-1 करो, है ना, ऐसे आ जाना चाहिए। कोई यूजर इनपुट लेगा और उसको आउटपुट इस तरह आएगा। तो इस प्रॉब्लम को पहले आप समझोगे कि रिवर्स क्या होता है। जब तक आप रिवर्स क्या होता है नहीं समझोगे, तब तक कैसे आप प्रॉब्लम के लिए कोड लिखोगे, क्योंकि कोड में पूरा जो कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग होता है थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। और आपको पता है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा लॉजिक डेवलप करते हैं, क्या लॉजिक अपनाएंगे जिससे मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा,
मैथ में भी आप यही सोचते हो कि क्या लॉजिक लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, डिफाइन मतलब समझना है ना, कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम कह क्या रहा है। जैसे मैं अभी तो ये आसान है तुरंत से, इसमें जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम को डिफाइन करें, क्योंकि वैसा प्रॉब्लम आपको रियल लाइफ में बहुत सारा पता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि वैसा एक नंबर लो, उसको चेक करो प्राइम है कि नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि प्राइम होता क्या है, तब ना आप कोडिंग लिखोगे। प्राइम मैथ का चीज है, दो तरह के नंबर होते हैं, आप मैथ में पढ़े होंगे, प्राइम नंबर और एक और मुझे भी नहीं याद है, नॉट प्राइम, एक प्राइम नंबर होगा, है ना। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं पहले समझोगे तब, और आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप भूल चुके होंगे इंटर के बाद, आप फिर मैथ पढ़े नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर होता है जो डिविजिबल है या तो वन से या इटसेल्फ से, ये होता है ना, नाइन इज प्राइम और नॉट, नाइन इज प्राइम और नॉट, नाइन प्राइम है, नो सर नहीं, क्योंकि ये एक और नाइन के अलावा, वन और नाइन के अलावा ही बहुत सारे डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है। तो हम प्रोग्राम में पहले जो बनाते हैं ना, प्रैक्टिस करता है जो फर्स्ट ईयर का बच्चा, वो पहले जब सीखता है प्रोग्राम तो यही सब पर सीखता है, दो नंबर को जोड़ना, ट्रायंगल का एरिया निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इससे बनाने से उसका लॉजिक डेवलप होता है। तो जब हम प्राइम का प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्राइम क्या होता है वो समझना होगा, दैट इज ए प्रॉब्लम डिफिनीशन। कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले उसको पहले डिफाइन करो क्या वो प्रॉब्लम कह रहा है, उसके बाद प्रॉब्लम एनालाइज, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं कि प्राइम नंबर, तो मुझे पता चल गया कि प्राइम नंबर है, अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कितना इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देखना है। तो क्वेश्चन रहेगा कि एक नंबर इनपुट लो और उसको चेक करो कि प्राइम है कि नहीं, तो इससे पता चल रहा है एनालाइज किए, तो इसमें एक इनपुट लेना है और लास्ट में आउटपुट देना है। जैसे हमने इनपुट लिया, एक मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर, और हमने इनपुट लिया एक नंबर 5, और आउटपुट आना चाहिए 5 इज प्राइम। फिर से मैंने इनपुट लिया 9, आपको आउटपुट आना चाहिए 9 इज नॉट प्राइम। यानी कि इसमें हमको पूरी तरह पता, एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि इसमें मुझे एक नंबर इनपुट लेना है और ये आउटपुट देना है प्राइम और नॉट प्राइम। अगर मैं कहूंगा कि 3 नंबर इनपुट ले और तीनों के बीच बड़ा निकाले, है ना, आपके दिमाग में तो कि सर कौन चीज है ये बड़ा निकाल देंगे ऐसे 5, 7, 9, लेकिन कैलकुलेटर आपका बड़ा कैसे निकालता है, वो तो अपने लॉजिक से निकालता है ना कंपेयर करके। तो आप सोचिए कि कैलकुलेटर में जो शिफ्ट प्रोग्राम फिक्स किया रहता है वो कैसे काम करता है, तो उसके लिए अंदर लॉजिक रहता है। तो इसमें हमको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि भाई 3 नंबर इनपुट लेना है और तीनों में से हमको बड़ा फाइंड आउट करना है। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम को एनालाइज करना। उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम डेवलपमेंट करते हैं और फ्लो चार्ट बनाते हैं, इसको समझना है। कोई बता सकते हैं कि एल्गोरिदम वर्ड आपने सुना है कभी इसके पहले? यस सर। कैलकुलेशन को कहते हैं? कैलकुलेशन को एल्गोरिदम नहीं कहते हैं, एक कैलकुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम कर सकते हो, बट एल्गोरिदम क्या होता है उस चीज को समझिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट टू एंड क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक रूल होता है, एक स्टेप्स होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में इस वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐसा नहीं कि हम बैठे और आधा घंटा में सॉफ्टवेयर बना देंगे, सॉफ्टवेयर बनाने में महीनों लग जाते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 7-1 साल तक लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो इस कंप्यूटर टर्म में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग के टर्म में एल्गोरिदम, बट रियल लाइफ में भी एल्गोरिदम होता है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो प्रोसीजर लिखते हैं उसको कहते हैं एल्गोरिदम। अब जैसे मैं कह दूंगा कि चाय बनाना है, तो चाय बनाने का एल्गोरिदम क्या होगा, पहले आपको कोई चाय बनाने के लिए सीखना है, चाय बनाना है, तो चाय बनाने से पहले चाय बनाने का एल्गोरिदम जानना चाहिए उनको, क्या एल्गोरिदम,
तो स्टेप वन में yes, sir. हम लोग क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे, स्टेप टू में उसमें चीनी डालेंगे, स्टेप थ्री में चाय डालेंगे, स्टेप फोर में उसको थोड़ा देर के लिए प्रोसेस करने देंगे, स्टेप फाइव में जब कुछ रेडिश टाइप का हो जाएगा तब उसको गैस को बंद कर देंगे। तो ये पूरा आपको हाँ वो फिर वो चलते रहेगा वो स्टेप, उससे पहले हम लोग चीनी भी खरीदेंगे, ये भी हो जाएगा फिर। तो ये हम लोग को एल्गोरिथम कहने का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। ये किसी भी चीज में होता है, किसी भी प्रॉब्लम में हो सकता है। तो प्रोग्राम भी बनाते हैं, तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले एल्गोरिथम हम लोग बनाते हैं, है ना, कि क्या क्या करना होगा, कितना नंबर इनपुट लेना होगा, फिर उस नंबर को कैसे प्राइम चेक करेंगे। आपको अभी आप बता दे रहे हो कि पांच हम डालें तो सर पांच प्राइम नहीं है, आप तुरंत से समझा दे रहे हो, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर के हिसाब से हमसे सोचना होता है। हम लोग क्या करते हैं आपको पता है कि पहले पांच को वन से डिवाइड करेंगे, फिर पांच को टू से डिवाइड करेंगे, पांच को थ्री से, पांच को फोर से, पांच को फाइव से, और देखेंगे किससे किससे डिवाइड हुआ। तो चेक करेंगे कि क्या वन और फाइव के अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है, अगर वन और फाइव के अलावा हो रहा है तो प्राइम नहीं है। ये सारा प्रोसीजर आपको टाइप करना पड़ता है कोडिंग में, है ना, ये सारा प्रोसीजर। आपको लगता है कि हमने कोई नंबर आप डालते हैं फोर और फाइव और आपको आउटपुट दे देता है नाइन, तो आप समझते हैं ये दो लाइन का आउटपुट है, इसके लिए क्या कोडिंग होगा। इस दो लाइन के लिखने के लिए कम से कम सात आठ लाइन का कोडिंग होता है। पहले इनपुट लेगा, फिर इनपुट को दोनों को जोड़ेगा, जोड़ के तीसरे में स्टोर करेगा, फिर आपको आउटपुट देगा, उसके बाद भी स्टार्ट और एंड लिखेगा। तो चार पांच सात आठ लाइन इसके लिए आपका हो जाएगा सिर्फ दो नंबर को जोड़ने के लिए। तो प्राइम चेक करने के लिए भी आपका क्या क्या होगा, पहले इनपुट लेगा, इसका एल्गोरिथम अगर हम लोग लिखेंगे तो स्टेप वन में हम लोग लिखेंगे इनपुट लेगा, फिर हम लोग क्या स्टेप टू में लिखेंगे, तो हर एक नंबर से पांच को डिवाइड करेंगे। अब हर एक नंबर कहां तक पांच को डिवाइड करेंगे, वन से स्टार्ट करके कहां तक चलेंगे बताइए, पांच तक ना, फाइव तक। तो ये लिखेंगे, फिर स्टेप थर्ड में फिर चेक करेंगे स्टेप थर्ड में कि फाइव किससे किससे डिवाइड हुआ है। तो चेक करने के बाद अगर फाइव वन और फाइव से ही डिवाइड हुआ है तब स्टेप फोर में आउटपुट देंगे कि फाइव इज प्राइम और नॉट, और स्टेप सिक्स में आपको लिखेंगे स्टॉप। तो ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। मैं इसमें आपको सिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और एक और चीज है आपको फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपने सुना होगा, मैनेजमेंट में हो सकता है आपने कभी सुना होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी किसी भी प्रॉब्लम्स का एक तरह से लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन तरीका अलग अलग है। एल्गोरिथम में हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को लिखते हैं, और फ्लो चार्ट में हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे दो नंबर को जोड़ना है तो हम लोग एल्गोरिथम में लिखेंगे स्टेप वन में दो नंबर इनपुट लेंगे ए और बी, और स्टेप टू दोनों नंबर को जोड़ेंगे, ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं ए प्लस बी। आगे बताएंगे एल्गोरिथम, चैप्टर ही पढ़ना है ए प्लस बी। उसके बाद स्टेप थ्री में हम लोग सी में यहां पर लिखेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी, स्टेप थ्री में प्रिंट करेंगे किसको, सी को, और स्टेप फोर में स्टॉप, यहां पर स्टॉप हो जाएगा। एक और स्टेप रहेगा, स्टेप वन में स्टार्ट होता है, अल्गोरिदम का स्टार्टिंग स्टार्ट वर्ड से होता है और एंडिंग स्टॉप वर्ड से होता है। तो ये हो गया अल्गोरिदम, यानी कि दो नंबर को जोड़ने के लिए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आप जानते हो कि कंप्यूटर में तीन चीज हो रहा है, यहां पर हम लोग दो नंबर इनपुट ले रहे हैं, यहां पर प्रोसेस कर रहे हैं, और यहां पर प्रिंट करा रहे हैं, और यहां पर स्टार्ट और यहां पर स्टॉप, यानी कि जितना स्टेप किए वन टू थ्री फोर फाइव, हर एक स्टेप के लिए फ्लो चार्ट में सिंबल होता है। क्या होता है,
सिंबल होता है, हम लोग फ्लो चार्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सिंबल पढ़ेंगे कि इनपुट के लिए कौन सा सिंबल होता है, आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल होता है, प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल होता है। तो एक तरह से फ्लो चार्ट को आप कह सकते हो कि जब एक लॉजिकल डायग्राम है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप बड़े बिल्डिंग्स बनाते हो, मॉल्स बनाते हो, घर बनाते हो, तो उसके पहले आप एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हो, है ना, तो उस नक्शा से आपको आइडिया मिल जाता है कि आप फर्दर किस तरह के बिल्डिंग, घर या मॉल, होटल्स बनाना है। तो फ्लो चार्ट भी आपका आइडिया दे देता है कि हमको क्या क्या करना है। अब ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या है कि ये एक्चुअल चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम है, इसको लिखेंगे और कंप्यूटर में रन करेगा। रन का मतलब समझ रहे हैं ना, रन वर्ड का मतलब, जैसे पहले हम लोग कोडिंग लिखते हैं और कोडिंग लिखने के बाद ना कोडिंग को रन कराते हैं, मतलब आउटपुट देखते हैं कि मेरा कोडिंग सही सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये कोडिंग लिख देने से कंप्यूटर पर आउटपुट नहीं देगा, ये कोडिंग लिखने का पहले का प्रोसीजर है, यानी कि ये रफ वर्क है, कॉपी वर्क है। फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम कॉपी वर्क है। अब कॉपी वर्क करने के बाद हमको समझ में आ गया, जिस तरह घर के नक्शा बनाने के बाद हमको समझ में आ गया कि हमको जब एक्चुअल घर बनाना है तो इस नक्शा से हमको पूरा आइडिया मिल गया, अब हम एक्चुअल घर बनाएंगे तो इस आइडिया से ही लेकर हम लोग घर को बनाएंगे। उसी तरह एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से हमको आइडिया मिल गया कि स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है, अब जब एक्चुअल कोडिंग लिखेंगे कंप्यूटर में तब आपको इसी एल्गोरिदम के देखकर कोडिंग लिखना होगा। और कोडिंग लिखने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिस्टम में होना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं जहां पर दो नंबर को जोड़ने का कोडिंग लिखेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे कौन सा यूज करेंगे। अगला है कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब आपको एल्गोरिदम तैयार हो जाएगा, समझ जाएंगे कि दो नंबर को जोड़ने का ये एल्गोरिदम है, तब हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ये होता है एक्चुअल काम, ठीक है ना, कोडिंग करना। तो कोडिंग आपको ये समझा हुआ है तो आप कोडिंग आसानी से कर लेंगे। और कोडिंग के साथ साथ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब क्या होता है, आप पहले से भी सुने होंगे डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेड करना, कहते हैं कि इसको डॉक्यूमेंटेड कर दो, मैंने चीजों को सजा दो, चीजों को अरेंज करके रखो। तो क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कब करते हैं, जब बड़ा प्रोग्राम्स होता है, आप तो उतने बड़े प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, ऐसे सपोज प्रोग्राम्स 5 लाइन का भी हो सकता है, 5,000 लाइन का भी होता है प्रोग्राम, 50,000 लाइन तक के प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो आपको अगर उसको बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए रहिएगा तो क्या आपको फर्दर प्रोग्राम समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, घर में आप वायरिंग करा रहे हैं, कोई वायरिंग करके चला गया बेतरतीब तरीके से, दूसरा लोग आता है, कभी आपके घर में वायरिंग में फॉल्ट आ गया, दूसरा इलेक्ट्रिशियन आएगा और उसको देखेगा तो क्या कहेगा कि इसमें कोई तरीके से नहीं किया गया, इसमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ इनपुट है, कहाँ आउटपुट है, कहाँ कोल्ड है, कहाँ हॉट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ अर्थिंग दे दिया है, कुछ नहीं पता चल रहा है, प्रॉब्लम होता है। तो उसी तरह हम लोग जब एक प्रोग्राम बनाते हैं जो 5,000 लाइन का है तो उसमें कहाँ पर इनपुट है, कहाँ पर आउटपुट है, कहाँ पर प्रोसेस कर रहा है, कुछ कोडिंग में पता ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग कोडिंग को सजा के लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक मैसेज लिखते हैं कि यहाँ पर मैंने आउटपुट लिखा है, यहाँ पर मैंने प्रिंट इनपुट लिखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रोसेस लिखा है। तो ये आपको कोडिंग होता है। तो कोडिंग आप जानते होंगे, जैसे आप वेबसाइट में आपने कोडिंग देखा है, वेबसाइट का कोडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसका कोडिंग क्या होता है, जैसे आप सीमेज का वेबसाइट आप खोल रहे, सीमेज.com, देखिए जैसे ये आपका आउटपुट है,
इसका कोडिंग मैं अगर आप में देखना चाहते हैं, ये देखिए थोड़ा ये स्लो साइट है, हम लोग को दूसरा खोलना पड़ेगा लगता है। चलिए दूसरा वेबसाइट खोलते हैं, है ना, दूसरा कोई पेज खोल लेते हैं। जैसे मैं जोमैटो ही खोलता हूँ, जोमैटो या मनी कंट्रोल जो भी खोल रहे हैं। अब इस वेबसाइट को देखिए, इसका ये वेबसाइट है ये, और इसका आप कोडिंग देखेंगे। ये देखिए ये कोडिंग। अब ये वेबसाइट तो कोई डेवलप करता है, देखिए इस पूरे वेबसाइट के लिए कितने लाइन का, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल, इसका पूरा आपको इस तरह से कोडिंग है। ये कोडिंग का आउटपुट ही ये है, ये आउटपुट है, यानी कि इस कोड को रन कराया गया तब आपको ये मिला। तो जो आपको सीखना है ये कोडिंग करना है, इतना कोडिंग आपको नहीं करना है, आपको सिंपल सिंपल कोडिंग बताएंगे, ये कोडिंग आपको प्रोग्रामर नहीं बनना है। तो इसमें देखिए, अगर सपोज जो डेवलप किया है वो अगर सपोज कहीं पर चेंजिंग करना है, जैसे ये पिक्चर को चेंज कर देना है या लिखा हुआ को चेंज कर देना है, अब इसमें कोड में जाएगा, वो ध्यान देगा, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा से नहीं किया रहेगा, क्या उसको पता चलेगा कहां पर क्या किया हुआ है? वो पूरा स्क्रॉल डाउन ही करते चल जाएगा, कितना बड़ा स्क्रॉलिंग है आप समझ सकते हैं, कितने लाइन का, बहुत सब फुल नहीं रहा है। तो जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, इसके अंदर ये है, तो इस सारा एक लेवल पर क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे पता चलता है कि इसका पार्ट है ये, तो जो इसका ये दोनों का पार्ट है ये, तो ये डॉक्यूमेंटेशन किया होगा। अगर इसको हम यहां लिख देंगे तो कोई समझेगा कि ये यहां लिखा हुआ है, तो ये इसका पार्ट नहीं। ऐसे भी आप देखते होंगे कि आप कोई भी लिखते हो वन का ए, तो वन का ए लिखते हो तो वो थोड़ा ए जो है वो वन के अंदर होता है। तो इसी तरह हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सजा के लिखते हैं, जो पता चलेगा कौन किसका पार्ट है। देखिए इसका पार्ट आपका ये है, सामने सामने लिखने वाला कितना अच्छा तरीके से लिखा है, ये है इसका पार्ट, ये इसके अंदर है और ये यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है, सामने सामने किया है क्लोज, ये यहाँ ओपन हुआ है स्पैन, यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हम लोग प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को फर्दर समझने में दिक्कत हो। अब यहाँ पर ये एल आई लिख देता और एक इसका क्लोजिंग यहाँ पर एल आई लिख देता, तो कितना प्रॉब्लम होता है, यू एल यहाँ पर लिखा हुआ है, ए और ए को यहाँ पर क्लोजिंग कर देता, यहाँ पर कर देता, ये तो प्रॉब्लम होता ना। तो हम लोग कोडिंग जब लिखते हैं तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए ये कोडिंग में, कि फर्दर उस कोडिंग को समझने में आसानी हो। आप डेवलप किए हैं तो हो सकता है आप समझ जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा कोई डेवलपर आया और दूसरे कोई के पास ये गया चेंज करने के लिए जो जानकारी होगा, तो उसको तो कुछ समझे में नहीं आएगा, उसको समझेगा क्या डॉक कोडिंग किया है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या किया है। तो ये ध्यान देना है आपको कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद कोडिंग लिखने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, हम इसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं आउटपुट देखने के लिए। जब डेवलपर लोग होता है तो चार लाइन कोडिंग लिखता है, फिर चेक करता है कि आउटपुट सही सही आ रहा है कि नहीं, इस तरह। तो वो क्या करता है, कंपाइलेशन करता है, क्योंकि हम लोग कोडिंग लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब कोडिंग को जब रन करेंगे तो ये कंप्यूटर में जाएगा और कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज,
बीच में कंपाइलर होगा जो मेरे हाई को मशीन में कन्वर्ट करेगा, तो मशीन समझेगा और तब आपको आउटपुट यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करना कि कोडिंग लिखने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। तो कभी जब भी कंपाइल जब हम लोग करते हैं तो सक्सेसफुल आउटपुट देता है या तो फिर एरर देता है। जरूरी नहीं ना कि आप कोडिंग किए तो सही सही आउटपुट दे, एरर भी प्रोग्राम देता है ना। उसको हम लोग कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग, है ना। तो वो एरर को हम लोग क्या करते हैं फिर, अगर सही सही आउटपुट दे रहा है तब ठीक है, गलत आउटपुट दे रहा है, कोई एरर दे रहा है, तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, डिबगिंग करते हैं। ये बड़ा काम है। सपोज मैं इतना कोडिंग लिखा और इतना करने के बाद रन किया और आउटपुट नहीं दे रहा है कुछ, तो क्या है, एरर है कहीं पर, एरर माने गलती है कहीं पर। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं फिर से कोड को, हर एक लाइन को चेक करते हैं कहाँ एरर है, किस एरर के चलते देते हैं, और उस टेस्टिंग को हम लोग कहते हैं डीबगिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीबग करना, बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं 1000 लाइन 2000 लाइन का कोडिंग है, कोई प्रोग्रामर सही से वर्क नहीं किया तो उसको एरर डीबगिंग कहते हैं। अब डीबगिंग होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डीबगिंग। एक आता है बग। बग क्या होता है पहले ये समझना है। बग छोटे से एरर को हम लोग बग कहते हैं। बग ऐसे भी समझते हैं कीड़ा होता है। अब इस पूरे 1000 लाइन के चलते कोई एक लाइन भी मिस किया रहेगा इधर का उधर, तो आपको पूरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, उसके बाद पूरा कोड काम कोलैप्स कर जाएगा। तो उस एक हजार लाइन में एक छोटा सा लाइन के चलते, हमारा छोटा सा एरर के चलते, एक छोटे से बग के चलते, कीड़े के चलते, एरर के चलते हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। तो उस बग को पूरे तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कहां पर वो बग है, कहां पर छोटा सा एरर है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं, बग को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डीबगिंग, है ना। डीबग प्रोग्राम में यूज होता है, बग है उसको डीबग कीजिए, एरर है तो डीबग कीजिए। तो इस तरह से आपका एक प्रोग्राम क्या होता है, डिजाइन होता है। पहले डिफाइन करेंगे, एनालाइज करेंगे, एल्गोरिदम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, कोडिंग लिखेंगे, कंपाइलेशन लिखेंगे, टेस्टिंग एंड डीबगिंग लिखेंगे। ये तरीका है आपको, तो ये सब के बारे में आपको दिया हुआ है, आपको लिखने की समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख लेंगे, है ना। तो ये तरीका हो गया आपका। अब आते हैं आपको कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, दो चीजों को हम लोग समझेंगे, एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। ये चीज पढ़ना है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ठीक है। तो एल्गोरिथम में हमने बताया था आपको कि एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और एकम्प्लिशिंग ए टास्क। एक टास्क को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम रेफर्स टू ए सेट ऑफ रूल्स दैट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हाउ अ वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड अपॉन इन ऑर्डर टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी कि कोई भी रिजल्ट को गेट करने के लिए हम लोग उसको डिफाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे हमको वो रिजल्ट मिले, और वो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर लिखते हैं उसको एल्गोरिदम कहते हैं। अब एल्गोरिदम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको फॉलो करना होगा रूल्स एल्गोरिदम लिखते समय। सबसे पहले वेल डिफाइंड इनपुट, इनपुट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कोई भी एल्गोरिदम लिख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिख रहे हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसमें चार इनपुट चाहिए, और वो क्वेश्चन मैं दूंगा तो खुद पता चल जाएगा कि कितना इनपुट कर रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा एक प्रोग्राम लिखो, दो नंबर लो और दोनों नंबर में बड़ा चेक करो, तो कंफर्म है कि यहाँ पर कितना इनपुट लेना है, टू इनपुट लेना है। तो एल्गोरिदम में मेंशन कीजिए कि टू इनपुट लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनपुट ले लीजिए,
ऐसे नहीं लिखना है, कितना नंबर से इनपुट लेना है वो आपको डिफाइंड होना चाहिए एक बढ़िया एल्गोरिथम के लिए। वेल डिफाइंड आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है, ऐसे नहीं कि खाली आउटपुट लिखते, आउटपुट यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन के अनुसार आउटपुट चेंज हो सकता है। दो नंबर को जोड़ने का क्वेश्चन दिए हैं तो लास्ट में आउटपुट होगा एडिशन ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू, एक दो नंबर के बीच बड़ा निकालने के लिए दिए हैं तो लास्ट में आउटपुट होगा ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। एक नंबर को रिवर्स करने के लिए दिए हैं तो रिवर्स ऑफ दैट नंबर इज डैक, ये आउटपुट होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड इनपुट और वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए, इसको फॉलो करना है। क्लियर एंड अनएम्बिगस, एम्बिगस मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, मतलब किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि स्टेप हमने लिख दिया, चाय बनाने वाला स्टेप लिख दिया और किसी भी पॉइंट में हमने कंफ्यूजन ये डॉट डॉट दे दिया कि ये कर लेना, क्लियर होना चाहिए कि ये करना है आपको, क्योंकि वो प्रोसीजर जब एक्चुअल में फॉलो करेगा लोग चाय बनाने के लिए तो उसको खुद ना कंफ्यूजन हो इस स्टेप में हमको क्या करना है। तो जब तक आप स्टेप को अनएम्बिगस रखिएगा तभी ना एक्चुअल जब बनाइएगा प्रोग्राम या फिर चाय तो आपको उसको बनाने में सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगस होना चाहिए, यानी कंफ्यूजन लेस होना चाहिए, विदाउट कंफ्यूजन वाला होना चाहिए। फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस कहने का मतलब कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा हो कि हम लोग स्टेप लिखें, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री पर लिखते गए, उसके बाद कहेंगे कि इसके बाद तीन चार स्टेप और लगेगा और आप बना लीजिएगा, सो ऑन कर दिए, नहीं। जब तक सॉल्यूशन ना हो जाए तब तक स्टेप आपको देखता है। आप इस तरह एल्गोरिथम बनाइएगा कि एक्चुअल जब वर्क हो तो उसमें सॉल्यूशन निकल जाए। आपको ये नहीं कह देना है कि 50 स्टेप है तो 50वां स्टेप आप लिखिए, स्टेप वन में क्या है, स्टेप टू में क्या है, स्टेप थ्री में क्या करना है, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज होना चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि एल्गोरिदम तो हम लोग कॉपी पर लिखते हैं, लेकिन जब एल्गोरिदम एक्चुअल चीज नहीं होता, एक्चुअल चीज होता है प्रोग्राम कोड, और एल्गोरिदम को ही बाद में हम लोग कोड में चेंज करते हैं। आप चाय बनाने का एल्गोरिदम लिखेंगे, वो लिखेंगे कॉपी पर, पेज पर, कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हैं एमएस वर्ड में, लेकिन एक्चुअल चाय बनेगा आपका कहां पर, सिंपल किचन में, किचन में। अब क्या एल्गोरिदम जो लिखेगा वो ये समझ के नहीं लिखे कि इसके लिए आपको पर्टिकुलर चाय, पर्टिकुलर कंपनी का ही चाय लेना पड़ेगा, यानी कि चाय कंपनी डिपेंडेंट तो नहीं ना होना चाहिए एल्गोरिदम, या पर्टिकुलर कंपनी का ही आपको बर्नर यूज करना पड़ेगा गैस का, ये डिपेंडेंसी तो नहीं होना चाहिए एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम चाय का ऐसा बना होगा वो किसी भी तरह के चाय, किसी भी तरह के गैस पर वो काम कर सके। तो यहाँ पर भी एल्गोरिदम जो हम लोग बनाए दो नंबर को जोड़ने के लिए कि दो नंबर इनपुट लेना है, जोड़ने के बाद तीसरे में रखना है, तीसरे को प्रिंट कराना है, तो दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, हर लोग जो भी डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो जिसको जो लैंग्वेज आता है उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम जो लिखे वो कह दे कि जावा लैंग्वेज जो सीखा है उसी के लिए काम आएगा, जो सी सीखा है उसी का काम आएगा, नहीं। एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एल्गोरिदम काम करेगा। अब आपको सोचना है कि अगर सपोज एल्गोरिदम का पहला लाइन में है दो नंबर इनपुट लेना है, तो आपको सोचना है कि मैं जावा के थ्रू इसमें काम करूं या सी के थ्रू काम करूं, है ना। अब एल्गोरिदम कहता है कि दो नंबर इनपुट लेना है, लेकिन कैसे लेना है ये कौन तय करेगा, जावा तय करेगा। हम कैसे इनपुट लेते हैं वो जावा तय करेगा, हम कैसे इनपुट लेते हैं वो सी तय करेगा, खाली ये इनपुट। अब ये यही बात है कि आपको गैस चूल्हा ऑन करना है, दूध गर्म करना है, दूध के लिए कौन सा सॉसपेन यूज कीजिएगा, कैसे गैस जलाइएगा, ये सब मेंशन नहीं रहेगा, वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसा गैस, किस कंपनी का, क्या उसका प्रोसीजर है जलाने का, ठीक है, वो अलग मैटर है। इसी तरह
एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, और लैंग्वेज बोलने का मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा फिजिबल होता है। फिजिबल कि हमको काम करने में एल्गोरिदम पर फर्दर कोड में चेंज करने में आसानी हो। फिजिबल मतलब यही होता है ना कि हम हमारे लिए सहज हो, असहज नहीं हो, फिजिबिलिटी हो, तो ये एल्गोरिदम होता है। अब आपको बताएंगे एल्गोरिदम बनाना, तो आप तुरंत से समझ जाएंगे और आप कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्लास में भी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो ये सारा लिखा हुआ है। अब है देखिए, एक एल्गोरिदम मैं बनाता हूं आपके सामने। एक एल्गोरिदम बनाया गया है, एल्गोरिदम का पहला लेटर स्टॉप होता है। अब इसमें समझे, एल्गोरिदम का सॉरी स्टॉप नहीं, पहला लेटर स्टार्ट से शुरू होता है, लास्ट का होता है स्टॉप, ये रूल्स है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, इनपुट लेने के लिए लिखते हैं रीड या इनपुट। और जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में हम लोग यूज करते हैं क्या, ऑपरेटर्स। अब एक आ गया आपको ऑपरेटर, सुने नहीं होंगे। देखिए बहुत सारे वर्ड हम लोग जानते हैं, लेकिन ऑपरेटर आप जान रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर आप सुने नहीं है। प्रोग्रामिंग में ये ऑपरेटर, वही चीज को ऑपरेटर बोलते हैं, हमको बताएंगे तो तुरंत से जान जाएंगे। रीजन क्या है कि ज्यादातर इसमें अमेरिकन लैंग्वेज यूज होता है, ऑपरेटर एरे सारा अमेरिकन लैंग्वेज यूज होता है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं भी उन चीजों को नहीं जानते। अब देखिए, जैसे सबसे पहले एक टर्म आता है, बहुत टर्म यूज होता है, आपको भी जानना चाहिए, वो टर्म होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में ऑपरेटर। अगर आप रियल लाइफ में डिफाइन करना चाहिए, ऑपरेटर इज परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कोई भी काम परफॉर्म करता है, यही है ना ऑपरेटर। अब यहां कर रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर होता है। अब सब जानते थे कि प्लस सब जानते हैं, माइनस जानते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में कहीं पर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आपको नहीं मिलेगा, ये एक्स होता है ना। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं प्रोग्राम में, एस्टेरिक्स यूज करते हैं, ठीक है। और डिवीजन के लिए ये यूज करते हैं, डिवीजन के लिए आपको ऐसे नहीं मिलेगा, और इसी सब को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो क्या कह देंगे, ये ऑपरेटर है, तो इसका ऑपरेशन क्या करता है, ये बताइए ऑपरेटर क्या ऑपरेशन करता है। सर जोड़ गुणा भाग करेगा सब, कैलकुलेशन, ये 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 एडिशन, ओ क्या करेगा एडिशन, वो एडिशन का सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो देखिए नाम सिर्फ अलग है, इसीलिए जब शुरू में बीसीए वाले भी जब पढ़ते हैं ना कंप्यूटर, तो थोड़ा सा कहते हैं कि सर ये नया टर्म क्या होगा, तो फिर शुरू बार उनको भी लगता है कि ये प्लस हम लोग सब पढ़े थे, अब यहाँ पर ऑपरेटर नाम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। शुरू में दिक्कत होता है, फिर यूज टू हो जाते हैं पूरे साल, फिर ऑपरेटर उनके दिमाग में आ जाता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर हैं, प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि ऑपरेटर अब डिफाइन कैसे करते हैं। ऑपरेटर इज ए सिंबल, ये सिंबल ही है ना, ये सिंबल ही है, ये सिंबल है, ये सिंबल है। ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू, ठीक है। जैसे देखिए ठीक है, ऑपरेटर इज अ सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू, बिना वैल्यू के ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना, नहीं करेगा ना। तो थोड़ा मैथ आप सब पढ़े हैं, लेकिन इतना इलोबरेट करके चीजों को नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर तो प्रोग्राम में आपको इलोबरेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम कहता है कि ये ऑपरेटर होता है, तो जब तक ऑपरेटर आपके दिमाग में आएगा नहीं तब तक समझेंगे कैसे। तो ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यू, ठीक है। क्या आएगा आपको, वन, तो ये होता है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, और इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। आपको जितना याद रहे उतने ही याद रखिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं ऑपरेट, ठीक है।
तो अब डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन, ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन, किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है? अरे मैथ तो आप पढ़ते होंगे ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सब तो पढ़ते हैं ना, तो ये ऑपरेटर है वो ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करता है? वैल्यू डिजिट पर ही परफॉर्म करता है नंबर। अच्छा बताओ, और नंबर और डिजिट में क्या अंतर है? सर डिजिट 0 से 9 तक होता है सिंगल, और नंबर हाँ, कुछ भी हो सकता हाँ, है, दो नंबर या तीन नंबर। तो आप कह सकते हो कि नंबर पर कर सकता है, या इसको वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑपरेंड भी बोलते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, और ऑपरेंड्स वैल्यू भी हो सकता है, ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है, ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए ऑपरेंड किस पे परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेंड क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है, और यहाँ पर ऑपरेंड क्या है? वैल्यू है। अब कहिए, थोड़ा सा एक मिनट का समय और लेंगे अब समझाने के, कि वेरिएबल हम लोग क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में। देखिए क्यों यूज करते हैं, मैं आपको टेक्निक एक छोटा सा बता दे रहा हूँ, जिससे आप समझे कि डायरेक्ट वैल्यू पर काम क्यों नहीं करते, वेरिएबल क्यों करते हैं। देखिए होता क्या है कि आप एक कैलकुलेटर सबको यूज करते हैं, कैलकुलेटर में अंदर लिखा रहता है ए प्लस बी। अब क्यों लिखा रहता है ए प्लस बी? कोडर कोडिंग जो किया है वो लिख देता है ए प्लस बी जोड़ने के लिए। अब जो आप इनपुट लेते हैं 14, वो 14 रीडायरेक्ट होके जाता है किसमें? ए में। फिर आपने लिया 16, ये रीडायरेक्ट होके जाता है किसमें? बी में। तो यहां पर ए प्लस बी नहीं जोड़ के क्या जोड़ेगा? 14 प्लस 16। अब डेवलपर को वेरिएबल इसलिए यूज करता है कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज करते रहेगा यूजर के अनुसार। अब यहां पर उसको पता नहीं ना है, डिजाइनर को, डेवलपर को, कि यूजर क्या इनपुट लेने वाला है। एक जरूरी तो कि 14 16 ही जोड़ेगा, 4 5 भी जोड़ेगा, 9900 भी जोड़ेगा, कुछ भी ले सकता है। तो इंटरनल वो वेरिएबल का यूज करता है कोडिंग में, जो भी वैल्यू तुम लोगे इनपुट, मैं उसको रिडायरेक्ट करके इसमें स्टोर करा दूंगा। अब वो इंटरनल काम होता है, कैसे स्टोर करा रहा है, क्या कर रहा है, जो भी इनपुट लोगे मैं इसमें स्टोर करा दूंगा, अगला जो भी इनपुट लोगे, तो इस तरह वेरिएबल रहता है। तो अंदर वेरिएबल पर काम होता है, वेरिएबल पर काम करने का मतलब कि कोई भी वर्क फिक्स नहीं है, वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर वैल्यू लिख देंगे 14 और 16, तो कैलकुलेटर आपको 14 और 16 के अलावा और कोई चीजों को नहीं जोड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग वेरिएबल पर काम करते हैं प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं दूसरे यूजर के लिए। तो यहाँ पर आप इस चीजों को समझना है। तो ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, प्लस माइनस स्ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए, और डिवीजन इसको हम बाद में बताएंगे, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा मोड मोड क्यों यूज करते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेशन कैन बी डन विथ लेफ्ट एरो। असाइनमेंट ऑपरेशन का मतलब होता है ये, ए बराबर 10, यानी 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसमें? ए में असाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बराबर भी यूज कर सकते हैं, एरो भी यूज कर सकते हैं इस तरह। और प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंट और राइट। तो ये इतना है, अब अगला दिन ये चीज को हम समझाएंगे कि ये देखिए लिखा हुआ है कैसे, तो ये आप समझ सकते हैं अगले क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो आप कोई स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस और भेज दीजिए, और ये नोट्स हम शेयर कर देंगे, लेकिन तब तक शेयर नहीं करेंगे जब तक हम इस पे चेंज नहीं कर देंगे। तो अभी वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको हम भेज देंगे काट छाट के, टाइम मिलेगा तो फिर आप उसको रखेंगे आप नोट्स, या तो उतारेंगे नहीं तो रख भी सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। आप नोट्स बनाएंगे उतना क्यों फालतू का, आप रखेंगे फर्दर आपको एग्जाम में काम आएगा। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अटेंडेंस का, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।